ब्लू व्हेल 200 दिनों तक बिना कुछ खाए और 25 दिनों तक बिना सोए रह सकती है। ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा जीव है, जिसकी लंबाई 30 मीटर और वजन लगभग 250 टन से भी ज्यादा होता है, और इनके दिल की धड़कनों को 2 किलोमीटर दूर से भी सुना जा सकता है। एक बार में 4 से 5 टन तक भोजन खाती है। जन्म के वक्त ब्लू व्हेल के बच्चे का वजन 2.5 टन होता है, जो एक बार में 200 से 300 लीटर दूध पी जाते हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि कोई भी ब्लू व्हेल पानी में सांस नहीं ले सकती। उन्हें सांस लेने के लिए पानी से बाहर आना ही होता है। उसको 35 मिनट से लेकर 2 घंटे तक रोक सकती। फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन ब्रेन। फैक्ट नंबर एक, इंसान का जिंदा दिमाग बहुत ही ज्यादा नर्म होता है और इसे चाकू की मदद से आसानी से काटा जा सकता है। फैक्ट नंबर दो, दिमाग पूरे शरीर के अंगों की तुलना में सबसे ज्यादा चर्बी वाला अंग होता है। फैक्ट नंबर तीन, जब किसी आदमी के चेहरे को गौर से देखते हैं तो आप अपने दिमाग का दायां भाग इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट नंबर चार, 30 साल की उम्र हो जाने के बाद इंसान का दिमाग सिकुड़ने लगता है। अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा इतनी बड़ी इमारत है कि इसे 95 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। मौसम साफ होने पर इसके पड़ोसी देश ईरान को भी देखा जा सकता है। बुर्ज खलीफा को पहले बुर्ज अल दुबई कहा जाता था, लेकिन बाद में अबू धाबी के प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद अन्नान के सम्मान में इसका नाम बुर्ज खलीफा रखा गया, क्योंकि उन्होंने इसे आर्थिक रूप से मदद की। 3 बुर्ज खलीफा की लिफ्ट है। ये दुनिया की सबसे तेजी से चलने वाली लिफ्ट है। 4 बुर्ज खलीफा में लगी हुई एसी है। 1 साल में एसी से निकलने वाले पानी से 5 ओलंपिक स्विमिंग पूल भर सकते हैं। आप लोगों ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में तो सुना ही होगा। 20,000 किलोमीटर से भी लंबी ये दीवार दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। पर क्या आप यह जानते हो कि दुनिया की दूसरी सबसे लंबी और ऊंची दीवार इंडिया में मौजूद है। ये दीवार राजस्थान के कुंभलगढ़ में है और इस दीवार को 15वीं सदी में राणा कुंभा ने बनवाई थी। फैक्ट नंबर 2, इससे पहले अगर आपको इस तरह के फैक्ट पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने लाइफ में टाइगर को तो देखा ही होगा, मूवी या सीरियल, और नॉर्मल टाइगर इस रंग में होते हैं। लेकिन टाइगर की एक बहुत रेयर स्पीशीज होती है, चोकिया व्हाइट टाइगर। और अमेजिंग बात तो यह है कि यह टाइगर सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं। लेकिन एक और अमेजिंग बात तो यह है कि जिस तरह से व्हाइट टाइगर होते हैं, उसी तरह से व्हाइट पीकॉक भी होते हैं, और व्हाइट पीकॉक भी बहुत रेयर होते हैं। अगर किसी व्यक्ति का सिर काटकर 180 साल तक सुरक्षित रखा गया है, तो सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। जब वे 12 साल के थे, तब उनके माता पिता ने उन्हें काम की तलाश में पुर्तगाल के एक शहर भेज दिया। वो गलत कामों में पड़ गया और शराब और जुए का आदी हो गया और एक बड़ा अपराधी बन गया। लोगों को लूटना और मारना उनका पेशा बन गया। इसलिए उन्होंने 1836 और 1840 के बीच 4 वर्षों में 70 लोगों को मार डाला। लेकिन बुराई हमेशा एक बुरे अंत के रूप में होगी। 1840 में उसे पुलिस ने पकड़ लिया और फरवरी 1841 में हत्यारे को फांसी पर लटका दिया गया। उस समय पुर्तगाल के लिफ्ट विश्वविद्यालय परिसर से कुछ वैज्ञानिक उनका सिर रखने की अनुमति चाहते थे, क्योंकि वे शोध करना चाहते हैं कि एक इंसान इतना क्रूर कैसे हो सकता है। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद उसके सिर को काटकर कांच के जाल में मेथनॉल के घोल में डुबोकर सुरक्षित रखा गया है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट जापान। फैक्ट नंबर 1, जहां पूरे वर्ल्ड में तरबूज यानी वाटरमेलन ऐसे गोल उगाया जाता है, वहीं जापान में तरबूज अलग अलग शेप में उगाए जाते हैं, बल्कि तरबूज ही नहीं अन्य वस्तुएं जैसे खरबूजे, आलू, सभी आकारों में उगाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 2, जापानीज लोगों पर मैकडॉनल्ड्स बहुत ज्यादा मेहरबान है, और यहाँ जिन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, वह मैकडॉनल्ड्स में जाकर फ्री में रह सकते हैं। मुझे नहीं पता कि मैकडॉनल्ड्स अन्य देशों में इसे क्यों लागू नहीं कर रहा है। फैक्ट नंबर 3, जापान के लोग काफी ज्यादा पंक्चुअल होते हैं, और ऐसे में वह ज्यादातर ट्रेन का यूज करते हैं, और कई बार भीड़ भाड़ होने की वजह से जब उन्हें ट्रेन में जगह नहीं मिलती तो वहाँ के ऑफिसर्स पैसेंजर को धक्का मार के उनको ट्रेन में फिट कर दिया जाता है, ताकि वह अगली ट्रेन का इंतजार ना करें और टाइम पर अपने काम पर पहुँच जाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको इस तरह के फैक्ट पसंद है तो।